बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन अपडेट्स 2024 के तास्ता हर के ले वायु खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात पारा कम सूरत हाल दे और कमजे के कम पार्टे अखपल उम्मीदवार उदरूली दी तास्तबादा हरा पार्टी हुई हो कम कमजे के दगे उम्मीदवारान तरफ ना उस खलक के नास्तल शुरू शु और डेर जगनों के दगे पार्टियान अखपल उम्मीदवार अड़ो उनद रहो टोलों ना पहला बशोरू कहूँ चिटोलों ना कम कसान चा की नूली दी अटोलो न कम हल्के चाप रेखी दी नो आगे के पहला नंबर राजी अगर आदि द जमीयत उलमाए इस्लाम जे यू आई द खैबर पख्तूनख्वा 115 के 110 हल्कों बांधे उम्मीदवारान उदरोल हो पिंजा हल्कों बांधे अगवी उम्मीदवारान उनदरोल चागे के पी के 22 बाजवड़ पी के 28 और पी के 30 शांगला पी के 69 खैबर और पी के 96 कुरम शामिल दे पदगे हल्को बांधे अगवी यो उम्मीदवार उनद रहो मतलब टेक्निकली खैबर पख्तूनख्वा पिंजा हल्के टोटल के अगवी मखिसारा बैल है ब्याह दे कि अगू तकरीबन सलो हल्को बाने जनाना उदरू ली दी चाहे दबा सा खास कंपेन हम निश्तरे नो आगा हल्के हम दागुई लासना लाड़े नो खैबर पख्तूनख्वा के जे यू आई 106 हल्को बांधे मुकाबला कई उस कमी घटी कमे बैली अखबा वाखिसाबई बला पार्टी था मुस्लिम लीग नून लसो हल्को बांधे उम्मीदवारान उन्नद रोल अपा आगे के पी के 22 बाजवड़ शामिल दे पी के 28 शांगला पी के 33 कोलई पालस पी के 34 बटग्राम पी के 47 हरिपुर पी के 96 कोरम पी के 100 बनू पी के 103 शुमाली वजीरिस्तान पी के 114 और 115 डेरा इस्माइल खान दगा लसो हल्को बांधे दागेड़ो मुकाबला शताई ना उम्मीदवारी निश्ता नो मतलब दा चे मुस्लिम लीग नून 110 हल्को बांधे बा इलेक्शन गई आगे के वह हम पस हल्को बांधे ही जराना उदरूली दी नो आगा सिर्फ अलता खानापुरी दा दागुना द गटे से खास तमाहुम निश्ता दे पीपल्स पार्टी है स्वारलस सूबाई इसम्बले हल्के प्रेखी दी 115 के 101 हल्को बांधे उम्मीदवार वलाड़ दी चिपा कमे हल्के खाली दी आए के पी के 34 बटग्राम पी के 36 37 38 और 39 41 मानसेरा सलोर जिले सलोर हल्के मानसेरा के खाली प्रेखोदली शिवी दी पी के 55 मर्दान पी के 71 खैबर पी के 75 और 84 पेशावर पी के 86 नौशहरा पी के 91 कोहाट पी के 101 बनू पी के 106 और 107 लकी मरवत दगा चिकमे 14 हल्की दी पदे द पीपल्स पार्टे ये उम्मीदवार हम निश्त दे टोलोना ज्यात मख की हुकूमत के पाते पार्टी ए एन पी आगे पशलो हल्को बांधे उम्मीदवारान नदी उदरोले आगे शल हल्के कमी कमी दी आगे के रामदी द पी के 4 सवात पी के 13 अपर दीर पी के 13 पी के द लोअर दीर हल्के जगह मिली आगे पी के 36 37 38 39 मानसेरा पी के 43 और 44 एबटाबाद पी के 48 हरिपुर पी के 94 औरकज़ई पी के 96 कोरम पी के 101 और 102 बनू पी के 103 शुमाली वजीरिस्तान पी के 105 और 106 लकी मरवत पी के 108 टांक पी के 109 जनूबी वजीरिस्तान और पी के 111 डेरा इस्माइल खान और नन दा खबर रागे चे पी के 1 अपर चतरालना अगवी खपल उम्मीदवार के नौ द परवेज खटक साहब द पार्टी द उम्मीदवार मुकाबला के नो मतलब द अवामी नेशनल पार्टी 115 के यवी हल्के प्रेखौदे 94 हल्कों में भी मुकाबला कई और आगे के वह हम सजेउनो के जनाना वलाड़ी दी प्योजे के बलजे के होगा स इंतहाई कमजोर पोजिशन बांधरी सिर्फ अल तक के द इलेक्शन कमीशन आगा 5% कोटा पूरा कुल दी भला पार्टी राजी पी टी आई पार्लियामेंटेरियन दागवी द हल्कों नमूना जकन इश्तरे चडिर ज्याती दी 115 हल्कों के अगवी पा 65 हल्कों बांधे उम्मीदवारान नदी उदरोले 50 हल्कों बांधे उम्मीदवारान दी आगे के तकरीबन सलोर हल्के दसी दी चे अलत के द अगवी उम्मीदवार जनाना दी नुब्या सलोर तनोरा का में कह 46 पाते शुए उद से हल्के जल डबल उम्मीदवारान दी मतलब दा चे परवेज खटक साहब दो सूबाई समलह हल्के यो कौमी हल्का इमरान खटक साहब सूबाई समलह हल्का यो कौमी हल्का
محمود خان صاحب صوبائی اسمبلی حلقہ یا قومی حلقہ نو دا وته هم راکمه کې 39 ټوټل 39 حلقې دي و زنانا دي بخانه غواړم او سلور دغه ډبل حلقې دي 39 حلقو باندې او خپل امیدواران افیکټیولی ادرولی دي او مقابله با په 39 حلقو باندې اغوی کوي دې کې چکرای ټیکټ جاری کړي اته موږ ماینس کړی دي او وی رمضان صاحب کم چټانګ کې د قومي سبلو امیدوارو اغله ټیکټ ورکړي دي او آغاز ګنڈاپور 115 ډی ای خان اغله هم ټیکټ ورکړو دا دوانو پارټي پرې خېدا رمضان صاحب دا تحریک لبیک نه ولاړ دي او آغاز ګنڈاپور دا جی وای نه ولاړ دي نو دا صورتحال د دغه پولیټیکل پارټي دي نو دا دغه پولیټیکل پارټي دي او بیا بعد کې دوی وی چې موږ با الیکشن کې ساده اکثریت اخلو اغه وی دا شروع کې هی الیکشن نه مخ کې دا حلقے خالی پریخی دی جے یو آئی 15 پیپلز پارٹی 14 مسلم لیگ نون 10 اور بیا آگے سرا اے این پی 21 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین 65 حلقے خالی پریخی دی اور 65 کے باقی 11 ہوں مروا چو ہے نو دا عیسابی گی تقریباً 76 حلقے اگوی خالی پریخی دی چلتا با اگوی صرف یا الیکشن برائے نام کئی یا دو امیدوار شتہینا صرف پی ٹی آئی وا چہرا حلقہ باندھا اگوی امیدوارو او هغه هم لاړل د پارټۍ نه بهر شو آزاد امیدواران شو یو ډشان د ماخلو اوزا بورام کی اوزل بیاہر کے لئے وائیو الیکشن اپ ڈیٹس 2024 اور الیکشن حوالے سرانن پشاور ہائی کورٹ کی اوسو کے سنو اور دے وقت کی مونگ سراد پہ خور کے سما ٹی وی سینئر صحافی نمائندہ سجاد حیدر مرزا صاحب موجود دے کمچے کورٹس رپورٹر دے انٹرو اضافہ کورٹس کے ہو سجاد صاحب بہت شکریہ سجاد صاحب یہ آج عدالت میں کیا کچھ ہوا سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ امیدواروں کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں تو کچھ منظور ہوئی ہیں کیا بنیاد لے کر گئے تھے کیا درخواست کی گئی تھی بالکل دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے سابق ارکان کی 5 کیسز جو ہے آج پشاور کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھے جس میں ان میں 35 کوہاٹ سے شہریار افریدی اس کے علاوہ ان میں 32 پشاور سے آصف خان ان میں پی کے 90 سے آفتاب عالم پی کے 92 سے شفیع جان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی کے 79 سے تیمور سلیم جھگڑا کے کیسز لگے ہوئے تھے انہوں نے اپنے انتخابی نشانات جو الیکشن کمیشن نے ان کو الاٹ کیا ان کو جو ہے چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو ان کی مرضی کے جو ہے نشانات نہیں دیا گئے کیس کی سماعت جو ہے جسٹس صاحبزادہ نے اور اس کے ساتھ جو ہے جسٹس اجاز انور مشمل دو رکنی بینچ نے جو ہے کیس کی سماعت کی ہے وکیل جو ہے درخواست گزار کی جانب سے پیش ہے اور ان کا یہی استقلال تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 67(3)(c) کے تحت جو ہے سابق پارلیمنٹیرین ہوتا ہے اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نشان جو ہے ریٹین کر سکے الیکشن کے لیے جو کہ ان کو فراہم نہیں کیے گئے چار جو درخواست گزار تھے جس میں شہریار افریدی آفتاب عالم آصف خان اور اس کے ساتھ جو ہے شفیع جان شامل تھے ان کے الیکشن کمیشن نے یہ موقع اپنایا کہ انہوں نے تو اپنے نشان کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا اور ان کو جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نشان الاٹ کر دیے گئے جبکہ تیمور سلیم جھگڑا کی جانب سے پی کے 79 کے امیدوار ہیں ان کو جو ہے راؤنڈ ٹیبل جو دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس وقت 13 تاریخ کو جب نشان الاٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے اس میں درخواست آر او کو جو ہے دی تھی کہ انہیں ٹریفک سگنل کا جو نشان دیا جائے تو تیمور جھگڑا نے جو درخواست دی تھی وہ تو جو ہے منظور کر لی گئی ہے لیکن باقی 4 امیدواروں نے جو چیلنج کیا تھا انہوں نے آر او کو کوئی اس کے حوالے سے درخواست نہیں دی تھی جس کے باعث جو ہے ان کی درخواستیں جو ہے مسترد کر دی گئی اچھا یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ باقی جو 4 لوگ تھے انہوں نے آر او کو درخواست نہیں دی تھی ٹکٹ کوئی نشان کے حوالے سے مطلب یہ کہ تیمور جھگڑا نے پہلے سے ہی ٹریفک سگنل کے لیے اپلائی کر لیا تھا جی بالکل اسی طرح ہے کیونکہ اس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی چل رہا تھا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے بار بار وقت میں توسیع کی جا رہی تھی تو ایسے وقت میں تیمور سلیم جھگڑا کی جانب سے جو ہے درخواست جو ہے وہ آر او کے پاس انتخابی نشان ٹریفک سگنل کے لیے فائل کر دی گئی تھی البتہ کہ ان کو وہ نہیں اس کے علاوہ جو ہے دوسرا راؤنڈ ٹیبل کا نشان کیا گیا تھا مگر جو دیگر 4 امیدوار ہیں
ने सिर्फ केस तो किया था लेकिन कानूनी ग्राउंड उनके पास कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि अदालत की जाने से भी इस्तेसार किया गया कि आईन इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 67(3)(c) वाजह तौर पर कहता है कि जो पार्लियामेंटेरियन पहले रह चुका हो वो अपनी मर्जी का निशान इलेक्शन कमीशन आर ओ से जो है ले सकता है। तो वो इस क्राइटेरिया में जो चार उम्मीदवार पूरे ही नहीं उतरते थे इसलिए अदालत ने उनकी दरखास्तें जो है खारिज कर दी, जबकि तैमूर सलीम झगड़ा ने दरखास्त दी भी थी तो इसलिए उनकी दरखास्त जो है आज मंजूर कर ली गई है, जबकि कमरान मंगज का PK82 के ऊपर उनका केस जो है अभी पेंडिंग है और वो कल समाज के लिए मुकर्रर किया। उन्होंने क्या कहा है, कमरान मंगज ने क्या कहा है? कमरान बंगश को जो है वायलेंट का निशान जो है दिया गया है, उसके साथ उनका कहना था कि उनके हल्के में उन्हीं का है, हम नाम है एक दूसरा कमरान, उसको बाजे का निशान दिया गया, तो उन्होंने ये प्ली अपनाई है कि वोटर जो है वो फर्क नहीं कर सकेंगे वायलेंट और बाजे में, इसलिए उनका जो है निशान तब्दील किया जाएगा, उनके केस की जो फैक्ट है वो थोड़े मुख्तलिफ है इसलिए वो कल समाज के लिए मुकर्रर किया गया। और कोई दरखास्त किया उन्होंने कि कोई निशान उनको कौन सा चाहिए, क्या वो चाहते हैं कि मिल जाए? तो इनके जानिब से कोई दरखास्त सामने नहीं आई कि कौन सा निशान वो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर इस दरखास्त को चैलेंज किया कि उनका और उनके मुखालिफ उम्मीदवार का जो है निशान वो मिलता जुलता है तो लिहाजा उनके लिए निशान जो है तब्दील किया जाए। और नाम भी उनका एक जैसे है, दोनों कामरान है। जी बिल्कुल, इसी तरह उनका यही कहना था कि नाम भी सेम है और उनके अलावा जो है उनका निशान भी सेम है, तो इसमें वोटर को जो है कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए उनका नाम जो है उनका निशान जो है तब्दील किया जाए। तो ये केस अब कल समाज के लिए बर्रर है, तो देखना है कि अदालत इस केस के नेचर में कैसे फैसला करती है, क्योंकि आज के केसेस से काफी मुख्तलिफ है। अगर सज्जाद साहब जो आप बता रहे हैं, अभी कुछ देर कबल ये खबर भी आई है कि इलेक्शन कमीशन काफी नाराज है कि पेशावर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो निशानात तब्दील करा रहे हैं और हमने तो बैलेट पेपर की छपाई का ऑर्डर दे दिया है, हमसे इलेक्शन डिले हो सकता है, तो क्या कोई ऐसी बात इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में कही है? इलेक्शन कमीशन के आज ये बात भी उठाई गई इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि उन्होंने जो है बैलेट पेपर जो है छपाई के लिए भिजवा दिए हैं, अब ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, जबकि दुस्कारगुजार वकील की जानिब से कहा था कि हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उनके निशानात जो है अभी रोके गए हैं और उनको छपाई के लिए नहीं भेजा गया, तो लिहाजा ये केस जो पेंडिंग था इनका भी तो इनको भी इसी में कंसिडर किया जाए और दोबारा इनकी जो है इनको निशान अलाट किया जाए और इनको प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी ये एतराज किया है कि जो केस पेंडिंग है उनके निशानात जो है अभी छपाई के लिए नहीं भेजे गए, बाकी दीगर जो है प्रोसेस इसका शुरू हो चुका है। अच्छा, आपने बात की कि कोई 4-5 दरखास्तें आई थी, अब इन दरखास्तों के बाद कोई प्लेटफॉर्म बचता है इनके पास कि कहीं और जाके अपील करें या नहीं, बस अब जो निशान अलर्ट हो गया बस वही रहेगा? निशान तो अलर्ट हो गया, इन्होंने हाई कोर्ट में दायर एहतियात के अंदर जो है अपील की थी, अब अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्होंने जाना है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जा सकते हैं निशान के खिलाफ, लेकिन उसमें भी यही है कि इलेक्शन कमीशन के वकील और अदालत की जाने से भी इस्तेसार किया गया कि कानून में एक जवाब मौजूद है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का क्लास 67 की C है, उसमें कहा गया है कि ले सकते हैं लेकिन आपने मस्कूरा वक्त के अंदर दरखास्त देनी होती है, अगर वो दरखास्त ही आपने नहीं दी तो आपके पास किसी अदालत भी चले जाए आपके पास कोई ग्राउंड नहीं बचता और आपके केस जो है खारिज होंगे, जैसा कि आज चार उम्मीदवारों के पेशावर हाई कोर्ट से खारिज हो चुके हैं। और ये जो निशानात थे, किन निशानात पे गिला था उनको? जिस तरह आपने कहा कि कामरान बंगश का ये गिला है कि मुझे वायलेंट मिला है और एक और कामरान का निशान जो है वो बाजा है, तो नाम भी एक जैसे और उनकी निशानात की शक्ल भी एक जैसी, बाकियों के गिले क्या थे? जी बिल्कुल, 1935 तक अगर शरियार हाफिजी को देखा जाए तो उनका ये गिला था कि उनको जो है बोतल का इंतखाबी निशान किया गया है, 1935 आसिफ की हम पेशावर की बात करें तो उनको हर गाड़ी फराहम की गई है, जबकि उसके अलावा PK90 की अगर हम बात करें आफ्ताब आलम की तो उनको बैंगन का इंतखाबी निशान दिया गया है, और उसके बाद जो है PK92 की बात करें शफी जान की तो उनको गोभी का निशान अलाट किया गया, तो उन्होंने निशानों पर एतराज किया था और उनको कहना था कि उनके निशान जो है तब्दील किए जाए, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जाने जो आरओ की जानिब से उनको इंतखाबात के लिए निशान दिए गए थे उनको जो है चैलेंज किया था, तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा नहीं कि क्यों तब्दील कर रहे हैं, गोभी के निशान में क्या मसला है या बोतल में क्या मसला है? ये
निचली अदालत ने तैमूर झगड़ा के केस में ये इस्तेसार किया कि तैमूर झगड़ा जब अदालत में उनके वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम निशान तब्दील करना चाहते हैं, तो अदालत का ये कहना था कि राउंड टेबल तो एक बाइज्जत जो है इंतखाबी निशान है, आप क्यों तब्दील करना चाहते हैं, आपको तो गोभी बैंगन और ये जो हथगाड़ी और दूसरे निशानात है ये नहीं मिले। जिस पर तैमूर झगड़ा ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी जो अप्लाई किया हुआ था ट्रैफिक सिग्नल के लिए उस कानून के मुताबिक वो पूरा उतरते हैं, पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए वो अपना जो है निशान चेंज करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद हैदर मिर्ज़ा साहब ताओ सिंह वॉर दल चे तैमूर झगड़ा साहब लीगल टीम डेर ज्यादा टेक्निकल दे उड़ेर पोए दे चे पक्का मारा बांधे द बैट नखे मसला हुआ दुई चे कला कागज़ जमा कहो नो दुई बैट सैम्पल होम कागज़ जमा करे वह सरे बै दरखास्त हम वर्क चे मुंगला ट्रैफिक लाइट चे कम ट्रैफिक सिग्नल ही द आगे निशान राके लगभग टेक्निकली एक्सप्लेन कम चे कम लोब दुई कड़े दा अगर दा शेवे दा चे दगा यवा एने एने 31 ता एने 31 बांदे अरबाब शेर अली साहब दागा होम दा ट्रैफिक सिग्नल निशान दे ब्या अगे लांदे द्रे पी के राजी पी के 7979 उस द तैमूर झगड़ा साहब होम ट्रैफिक लाइट निशान शो अगे सरा अरबाब मोहम्मद अली साहब कम चे द अरबाब शेर अली साहब रोर दे द आग होम ट्रैफिक सिग्नल लाइट निशान शो और लग साथ उड़ान दे नौरीन आरिफ बीबी पी के 81 ना दागवी उम्मीदवार व द पी टी आई के नास्ता और कासम अली शाह दागवी उम्मीदवार शो नो द आग होम ट्रैफिक लाइट निशान दे नो दगा यवा कौमी और दागे लान दे द्रेवाणा सुबाई दरे टोलो दे वाह के उस यो निशान दे और आगा दे ट्रैफिक सिग्नल नो द असांत्या यो पैनल जोड़ा शुआ चाहिए थे असांत्या राजी ब्या पेशावर द पी के 83 और एन ए 32 के द आसिफ खान साहब एन ए 32 बांधे लास गाड़े दे और द ओम आगे एन ए लान दे चिका मा पी के द पी के 83 अल तक के द मीना खान द लास गाड़ी निशान दे नो दगा हल्का के एन ए और पी के द्वाण वोट रहा था आसान त्यारा और द टोलो ना घटा द पेखावर हल्का दा सकम द्रेला का वोट पदा यो हल्का बांधे रे नो दगा जे के द लास गाड़ी वोट देर ज्यात अहमियत दरी चगा सूबे और कौमी के द्वाणा यवे पाठा तबरूजी नो दा टेक्निकल ग्राउंड दगे पोलिटिकल पार्टान ला जोड़ कर और पी टी आई जान ला सलारा होम जोड़ई सलारा जोड़ई सिंगा दगा मुश्किल सूरत हाल के जान ला सलारा पैदा कई मख के तलो द पारा बागे बखबर कहू यो बड़े शांत में ना पा। तास्ता प्रोग्राम की अजल ब्याह हर कले वायु पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी और अफगान ने भी दा मुमकिन न दा पी टी आई के दन्ना खलक देर ज्यात यो बलना खप दी पर टिकटों ने बांधे उमड़े लांजे हो शुए मुंगो कतल चे पी के 64 बांधे सिंगा खलक रउतल अफगान इजहार है उक पे खबर के प मुख्तलिफ हल्को बांधे गिला मख तराला प नौखार के उमला गिला मख तराला ब्या मरदान के लांजे राले सवात के ओशुए दिर के ओशुए प कुरमा के ओशुए प बनु केड़ी खान के गिले माने खड़े ओशुए और ब्या खर के द बैठ नखा ही लाड़ा आगा वक्त के ब्याम सत्तम वा चेर कसान बा बैट बंद उगटी हो उस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तब पता था चे बैट नखा खो लाड़ा और उस बा आगा खलक उदरऊ कम चे जान इलेक्शन कूलिशी चाह सा बरदर वोटी शख्सी वोटी और द पाटे वोट होम हुई और ब्या साधु पैसीम हुई चे खलक खबरू लिशी पे खबर के लग सात के दरना सिर्फ दा यवाश मख्तना उस पोरे दुआ हल्को बांधे उम्मीदवारान बदल शू यो हल्का दा पी के 80 अलता अवल इंजीनियर हामिदुल हक साहब उम्मीदवारो ब्याय अगना टिकट वागश्त और इलियास खलील वर्क और लग साथ उड़ान दे खबर रागे चे उस बा अलता अरबाब मोहम्मद अली साहब इलेक्शन कई भला हल्का दा पी के 81 अलता चिकम नौरीन आरिफ बीबी वा द आरिफ साहब कोर वाला दा अगेला टिकट वर्कड़े शव लग साथ मख के खबर रागे चेगा हम दस्बरदार शवा और अलतबा कासिम अली शाह साहब उस इलेक्शन कई और देना मख के शहजाद चेकम द साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर हो और पी के 8 ना पी टी आई उम्मीदवार हम पाते शव आगा हम लग गिला मंद हो आगा उस अली जमान एडवोकेट से अबता अगम के नास्ता नो यो बल गिले माने खत्मीगी हो पी टी आई उम्मीदवार बदलई पदे बखबर आखो तजिया बाखलू दे वक की मुंगसरा पे खबर के द ए आर वाई न्यूज ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफी ज्यालक साहब मौजूद दे ज्या साहब बहुत शुक्रिया ज्या साहब ये बैट का निशान तो गया लेकिन अभी ये जो हलकों में उम्मीदवारों की तब्दीली है क्या समझते हैं क्या देख के पीटीआई उम्मीदवार तब्दील कर रही है?
देखें जी, एक तो जो पीटीआई की जो सूरत हाल है उसमें आप देखें कि पीटीआई इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है और उसको कानूनी और जो अदालती महाज पर भी एक जंग लड़ रही है और सियासी महाज पर भी एक जंग लड़ रही है। इस वक्त उनके जो बानी कायद हैं वो कैद में हैं, उनके जो वाइस चेयरमैन है वो कैद में हैं, उनके सदर कैद में। तो इन हालात में जो टिकट की तकसीम हो रही है, यकीनन वो जो है, जैसे कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जेल में जो मीडिया के सामने मीडिया से जो बात किया और उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत से ऐसी जगहों पे टिकट भी दिए गएंगे क्योंकि मुझसे मुशावरत तो हुई है लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर मुझे जो है इजाजत नहीं है कि मैं ये नाम देख सकूँ और उनको वेरीफाई कर सकूँ। तो उनका कहना है कि हो सकता है किसी जगह पर इख्तलाफात हुए हों, तो वो ही चीज सूरत हाल अब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, न सिर्फ पिशावर खैबर पख्तूनख्वा और बल्कि पूरे मुल्क से ये मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें आ रही हैं। अभी इसी वजह से ये है कि आज जो उनके चेयरमैन है उन्होंने ये मीडिया में जो बातचीत किया, उन्होंने कहा दो दिन में हम जो है तो एक कंप्लीट दोबारा जारी करेंगे जिसमें कि हतमी फहरिस्त होगी और उसमें ये पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आएंगे। यकीनन ये एक पीटीआई जो है तो क्लेम करती रही है कि वो वर्करों को जिस तरह के इमरान खान साहब कहते थे कि हम इस इलेक्शन में, बल्कि पहले भी जितने भी इलेक्शन थे, कि हम वर्करों का ख्याल रखेंगे और जो वर्कर कुर्बानियां दे रहे हैं हम उनको जो है तो एकोमोडेट करेंगे और उनके कुर्बानी का सिला देंगे, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखते हैं कि उन्होंने वकीलों के साथ भी जो है तो एक कमिटमेंट की थी कि जो वकला हैं उनके साथ इस तहरीक में शरीक हैं तो उनको भी जब इलेक्शन आएगा तो उन वकला को भी टिकट दिए जाएंगे ताकि उनकी जो उन्होंने जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसके एतराफ के तौर पर। तो अभी ये सूरत हाल तो है फिलहाल, अब देखना यह है कि अगले दो रोज में ये इन जो फहरिस्तें हैं उसके हवाले से क्या मजीद फैसले करते हैं। पंजाब के हवाले से अभी भी इनकी काफी सीटें खाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाहिद एक ऐसी पार्टी है कि जिसने तमाम नशिस्तों पे, सूबाई असेंबली की 115 नशिस्तें हैं, तमाम नशिस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, हालांकि दीगर पार्टियों ने उनसे कम नंबरों पर जो है तो अपने लोगों के उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। तो ये एक शो करता है कि पीटीआई में लोग काफी जो है तो इस हवाले से सरगर्म है और उनको चूंकि ग्राउंड रियलिटीज भी वो महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई का एक वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो हर वर्कर की ये ख्वाहिश है कि इस मौके पे चूंकि उसने जदोजहद भी की हुई है और काफी मुश्किलात का भी सामना किया है तो वो अब चाहता है कि उस मुश्किलात का जो सामना किया है तो उसके सिले में उस ताकि वो अपने लोगों के हमदर्दियां हासिल कर सके। तो यही वजह है कि इस वक्त आप ये सूरत हाल देख रहे हैं और बस कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि परवेश खड़क साहब ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी सामने आएंगे। इवन के परवेश खड़क साहब को जब ये बात करनी थी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर है तो उनका मकसद वो इस बात के एतराफ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का टिकट कोई नहीं ले रहा तो जो आजाद का उन्होंने हवाला दिया तो वो यकीनन वो यही उनको नजर में यही था कि जब पीटीआई से पहले का निशान ले लिया जाएगा तो उनके उम्मीदवार आपस में भी लड़ेंगे और इनमें से जो आजाद होंगे फिर हम उनके साथ जो है तो मिलकर हुकूमत बनाएंगे या उनको अपने पार्टी में शामिल करेंगे। वो तो जो सूरत हाल होगी वो तो इलेक्शन के वक्त पता चलेगा, लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि इसमें कुछ इस तरह के भी लोग हैं कि जिनसे दूसरी पार्टियों के लोग भी रब्ता कर रहे हैं और वो इस बात से इंकारी हैं कि हम आपकी पार्टी शामिल नहीं कर सकते, आप शमूलियत नहीं कर सकते और पीटीआई को छोड़ नहीं सकते कि ताकि उनका वोट बैंक खत्म कम हो जाएगा तो इसलिए वो आजाद हैसियत में भी लड़ रहे हैं। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है जी। अच्छा सर, आपने जो बात की है कि ये इस वक्त पीटीआई के लिए मुश्किल हालात हैं, एक ये मसला भी है कि बहुत जगहों पे कुछ ऐसे नाराज वर्कर हैं जो कि बहुत सख्त मौकफ इख्तियार किए हुए हैं। पेशावर की मिसाल ले लें, कामरान बंगश के हलके पे इरफान सलीम किसी सूरत बैठने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अभी तक उनके दो तीन दिनों में शायद फैसला भी हो जाए कि क्या बनता है। ऐसे ही कुछ मसला जो है वो चारसद्दा में PK-64 पे भी आ रहा है और दीगर लोगों में, तो यहाँ पे फिर आप लगता है आपको कि फिर हर हाल में वोट तकसीम ही होगा? जी, जैसे आपने इरफान सलीम को किया, जाहिद नदीम भी यहाँ पर इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें ये बताया जा रहा है, जैसे गुज़श्ता रोज मेरी तैमूर सलीम झगड़ा से भी बात हुई थी तो उनसे मैं पूछ रहा था कि ये आप इनको कैसे सूरत हाल को कवर करेंगे और इसको कैसे एड्रेस करेंगे जो अख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। तो उनको ये बताना था कि गो के एक मुश्किल सूरत हाल है, हमें कंप्लेन करने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है और फिर इनके साथ हम जिरगे भी कर रहे हैं, इनको मनाने की भी कोशिश कर,
तो उनको ये कहना था कि 90% तक तो हम इस सूरत हाल को कवर कर सकते हैं और कवर कर लेंगे, और जहां पर 10% होगा तो उनका ये बताना है कि यकीनन हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। लेकिन आप इस सूरत हाल में जो एक आप ये देखें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो भी मुश्किल सूरत हाल है इसमें अगर हम पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इंतखाबात पे यकीन रखते हैं, आइन पे यकीन रखते हैं, तो देखें तरीके इंसाफ जो है ना जो भी मुश्किलात सामना कर रही है एक चीज उसने नहीं छोड़ी, और वो ये नहीं छोड़ी है कि उसने इलेक्शन का रास्ता जो है ना अपनाया हुआ है, बायकॉट नहीं किया है। तो वो इन तमाम हालात उनको जो सामने पेश आ रहे हैं तो उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क में जो है तो एक जमहूरी सिलसिला है उसको कायम और दायम रखा जाए। तो वो उनका उनको भी इस बात का एहसास है और वो इस बात को कहते हैं कि 10% ऐसा होगा कि हमारे कुछ लोग जो है हमको नहीं राजी कर सकेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि इससे कुछ और मुहिम भी शामिल होंगी, जैसे मैंने आपको परवेश पाठक की पार्टी का भी हवाला दिया और दीगर जगहों पर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है कि चूंकि इस वक्त एक ये एक जमीनी हकायक है सबके सामने के, और जो जिस तरीके से गैलप सर्वे भी सामने आ रहे हैं आप देखें उसमें भी सामने ये बात आ रही है कि जी इस वक्त सर्च किया जा रहा है तो पीटीआई को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो उससे साबित होता है कि उनकी जो है तो ग्राउंड में एक वोट बैंक बड़ी तादाद में मौजूद है। तो उसमें जो है तो कोई अभी पीटीआई से जो अगर कोई हम नहीं कह सकते कि मुनहरिफ हुआ हो, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं जो कि इस वक्त टिकटों की तकसीम पे जो है तो नाराज हैं, वो पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते और दूसरी पार्टी को इसलिए शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक मुतासर होगा। तो वो अपनी ही पार्टी में रहकर वो समझ रहे हैं कि शायद चूंकि आजाद हैसियत हो गई है और आजाद हैसियत में हर किसी का हक होगा पार्टी के लोगों को कि वो उनको अप्रोच कर सकें और अपनी जो वो उन्होंने जो पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं उसकी बुनियाद पर उनसे वोट लेकर वो उनका ये ख्याल है कि हम जीत सकते हैं। तो इस वजह से ये अपनी वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये तो तैमूर जमीन झगड़ा जिससे बात हुई तो वो तो ये बता रहे हैं वो इस बात को वो कबूल करते हैं और इसके एतराफ करते हैं कि जी 10-15% ऐसे भी होंगे जो कि नहीं बैठेंगे तो उससे हमारा वोट बैंक मुतासर जरूर होगा। आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउल हक साहब और सिंगा जियाउल हक साहब हुए चे पीटीआई होम मनीचे आओ मुंगा कोशिश को चे ज्यादातर किसान के नौ जरगे रवानी दी मरके रवानी दी नास्ता रवाना दा परुनम चकमदा अरबाब मोहम्मद अली हल्का दा परुन डेर ना वक्त पोरे पाई जरगे वे अब्या नन गालबंद आगे फैसला माजीगर वक्त के ओशवा चे आओ मुंगबा अरबाब मोहम्मद अली सपोर्ट कहूँ दगा चकमे गिले माने वे उम दग वे चे मुंग योजेशू और पार्टी खरा खुदा सहा पोरे मुंगा रागोंडोलीशू पी टी आई उस दगा जरगे कई ओला जरगे खत्म न दी बलख्वाता चकम प पोलिटिकल पार्टीज बांधे इलेक्शन एक्ट के लाजमी वा कि 5% टिकट व खजुल अवर कई उस आगा हम ख़त्म शो खजा नमुदरी जी नो खैर दे हो डेर जो ने क्या हुई खज ब्या मुदरूली दी शानदाना गुलजार बा उमदगा एन ए 30 उम्मीदवार हुई इलेक्शन ब कई और बाकी दे के मोमिन अबासित होम इलेक्शन कई लग्या दा सूरत हाल सिंगा डेवलप की गई सतासो मखे तब आगा होम एक दो सिंगा सिंगा इलेक्शन वक्त की दी तासुबा मुंगा द इलेक्शन अपडेट्स 2024 की पूरा खबर साथ हो बड़ा शांत दिमाग लो। वेलकम बैक। औस बला का खबर आ इलेक्शन ना बगैर मुकू इलेक्शन दाखिल तड़ल हम दा चमुंगा सियासी जुमातनों द माशुमान द पारा या रवान जलमी कुल द पारा सब प्लान है दे दा दाऊ प्लान निशा जका न दा चिदा माशुमान न खो वोट अचई और न दुई नवे हुकूमत रावस्ती शी अतल लस्कार न पस चिकल जवानान शी नुबिया हर यौकस दाई द पारा मसलो गम कई पर उन दगा पेखबर हाईकोर्ट के यौ केस हो और द आगे समात दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब द रिमार्क्स मख तराल चि द मासखुतन नहा बजो न पस कमात यो माशूम हम द पे खबर प सड़कुन बांधे खैर गुख्तो बांधे कारशो नो ब्याबा ज दल तके द खैबर पख्तनख्वा वजीराला रागवाड़म तदे ब इस किस्म इजाज़त नवी चि द नहा बजो न पस दग माशुमान बहर बहर रोजी औल त खैर ग्वाड़ी आओ आया द नोर खल को बची बदल तदे वक़ गिरजी
دلتا معشومان پارا سہار کے زان لا خیر دے مزدوری کئی خودش پہ نہ ہونا پس بیو کس ہم دا باہر معشوم مت آواز نخ کاری یو خدا چے ولے نہ بجے نہ پس معشوم بار نخ کاری نہ ہونا اول آیا کاری دیشی التبیا مزدوری کولی شی دا ہم سوال لے او بیا بل خواتا چے اس پورے ولے دا معشومان پر روڈ باندے پراتی دی کم دیا گا اربونو کھربونو روپو بجٹ چے دا غزم غزل میں کل پیخور کی اندازے مطابق تیر کال چے کلا وفاقی تحفظ اطفال کمیشن یو خط لکلیو صوبائی کمیشن تا نوغوی چے 15 معشومان با پیخور کی سڑک باندش پا کئی داغوی کور بار نشتا دے وقت کے عمران ٹکر سے مونگ سرد عمران ٹکر سے بڑا میرا بانی تا سر کافی کار کرے دے معشومانو حوالے سرا یو خدا سماعت تا صبح فالو کڑی سوک سوک راغستی ری اوسط تپوس تکڑے دے او دا سماعت اخر دے حد تا خبر اول رالا چے اتو نا پس با معشومان بار نوی اگے نمک کے خیر دے کنفرم کو نہیں ہم کو خبروں دا ہوئی ہے کہ اگر لوکل ایڈ میں سیکتا وقت لے او کم متعلقہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دا کے کم آفیسر دی نو زما خیال دا دے کہ دا اری وے را وقت لے خدا کے بارے میں کنفرم نہیں ہو کیونکہ ایشو ابھی سر ریلیٹڈ دا نو وی را وقت دی نہ مخ کے ہم زړه کوم کسان یا دوم او دا وی را وخت دي دو درې زلا په کاو را کوټ را وخت چې پکې دا کې پی چال پروټیکشن اند ویلفیئر کمیشن افیسر دوم وو کو تاسو خبره ام اغا دا چې مطلب کمال تا پوسټ نو زه خدا خبره کوم چې ما دا پر خوروال او شپا یو شاته دا او دا پاکستان دا آئین لاندے ہم زمین کے دل تک ہم صوبائی قانون پاس کیے دے نو داغی دا لاندے ہم د سوان سکالو او نکم ماشوم کم دے نو آغا خو بالکل کار دے چی بولے آغا خو ممنوع دے نو پر در سے دے گی ہو کہ زخ دعوائیم کہ ماشوم روزہ او پشپرہ نو دا آئینہ او دا قانون لاندے دے بالکل پکار باندے ندے پکار دے سر دیا تلل کو سیزن دے او هغه دا دي چې آیا دا کم ماشومان سپیس کرازی که دروازی دی او که دشتی دی نو دیفنیتلی چې های کورت آرڈر کرده دی نو دا خوبا رسکیو کی نو چې زی رسکیو کی دی اگه خوطا گرفتار ہو یا خودو تا رسکیو کی نو چې کل دی رسکیو کی زما سوال دا دی چې موږ سره هغه کم سہولتونه موجود دي چې هغه ځایونو کې به دا ماشومان اچول کېږي او د دوی به آیا اسسمنټ کېږي او که نه کېږي او څوک دې کوي او چې اسسمنټ وشي پته ولګېږي چې هغه کم وجوهات دي چې د هغې په بنا باندې دا ماشومان سپیس ته راغلي دي ٹکر صاحب ستاسو حیات آباد کے خپل ووٹ رجسٹرڈ بھائی غالباً اس چدی دل التا کمپین چلی گی تاسو وخا مخا تپوس کا وے چی زما دے کور نہ باہر دا لارا کچا دا یا ما تا حیات آباد کے اسکلو بن ملاوی گی ما تا دیکھو بجلی نشتا گیس نشتا اگر کمپین ما چ کم کس راضی تے مو جگڑا صاحب ستاسو ایم پی او ارباب شیر علی صاحب ایم این اے او اب الگ ان تے شرمندہ ہم وی تاسو گلے مانے بم اوری تاسو سر بوادیم کئی دغه معشومان خو پوٹینشل ووٹر نه دی پدې سوک سکی نه پروا کوي چې دا کس لما کار کړي دو کنه دې کړي معشوم په سړک پروت نه وس پروتي خوراکه نشتا روزګار نشتا سوګه پروا کوي دا یو سوال دی چې تاسو ته ما د سوشل میډیا د لارې ما فالو کوي نو کله چې دا الیکشن نه ناراو خپل شوی دا نو د معشومان چې کوم ایشوز دي نو په وروړه یاد باندې باندې خپل کیلنگ کوم کہ ووٹر ہم کوئی سی پا دے خبر باندے نظامو پا دے ملک معشومانو تک کم مسائل دی دا دا قوم مستقبل دے دا ملک مستقبل دے اور دا چاہتے لے ہم دی
कि दरअसल दस किस्म उखने पंजाबी कि जमुन जा कम मुस्तकबल के लिए गुरु दा खबर मुस्ताद बड़े प्रोग्राम के सो सो गलत करे दा कि स्टाफ दी सुबह के द स्कूल क्रो को उमर के वो तलेख लगा मशीना जी अगर स्कूल चले जी और दाम अंदाजा रा मिनिमम और ब्याह दार के अगर टीचर या लेबर तरी नगद जेही तौर जिस्मानी तौर बांधे या जिनसी तौर बांधे या नूर लागो सोबर इस्तेमाल की और तो की थी लगता हम जरूरी लगा कि अभी दा मोर प्लान का महादा मजमान स्पीक तरावली और इबारे बेगें कई मागो किताब सदाउरी के लगन दे दात जिये आ जाए लब तो करती कि दी शात कम लासू दी और आवे खल को तवसुक सजावर की और अभी बने कोल पकार दी अभी तो अकाउंटेबल कोल पकार दी अभी ते जंदल पकार दी कि कम खलक जिम्मेवार दी जिदा मशीबान दी स्पीक तरावली और बिया प्लानिंग बस हो गई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खुद ही रहो गुस्ता हो बरानाम डिपार्टमेंट तक कोई मास रहना वसायल था ना अफराधी कोच था न फंड था फाइनेंस वाला भी सड़कों ना जरूरी दी कर्जे बाखलो बीआरटी बस जोड़ो स्वात एक्सप्रेस वे जोड़ो माशुमान जमुन मुस्तकबिल न दे इनसे पदिवान मख्यम तासन अपना खबर करो आज रे आज देहानी को हम जमुंगा पा ये जिलों के दावा चाल प्रोटेक्ट के लिए लड़ी जोड़ेगी किस दिना नो आया दद्दारी यूनिट तरह दद्दा से मार्किमानों का परा मुंग तरह ट्रांजेक्शन तरसना कि मुंगे दाम मार्किमान रिस्क क्यों की और आगे ट्रांजेक्शन तर के मुंगे रवाती हो दारी एसेसमेंट तुम पूरा ही फैमिली स्ट्रेस को और दारी की कम शात कम इश्यूज भी कि दारी मुंगे पता हो लगी और दद्दारी के ट्रांजेक्शन तर के दनना दे मशीमानों दरवाजे दरवाजे आपता लक्ष्मी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में थी थी साइको सोशल काउंसलिंग में थी थी और ब्यावर सरव सराब दानी फ्रेंडली ट्रेसिंग न पस दे मशीमानों रिहेबिलिटेशन थी और ब्यावर फॉलो अप की थी और कि दारिद्रम जरूरियात थी द पकादाई की परियात तकितो के बांधे आग जरूरियात पूरे की थी दोबारा से इस तरह और आप पूरा की गई सप्लान शता नो को दागा जो है मार कि दास के जो सिद्धू है निकट तो दास सिर्फ पर आर्डर बांधे पर हुकम बांधे पर डाटा बांधे निकट लगा तो वाच ने हाई कोर्ट हुकम उम्मीद नो सखास घट असर मुतखकारी ना कारी जगह जो वसाइल जगह हुकूमत का तरफ वसाइल शता ना के वसाइल मुंग देख वाडोल न वाडोल का गोरे पेशावर के बीआरटी द पारा मुंग सरा 100 अरब रुपए वे दा 100 अरब बीआरटी द पारा होवे स्वात एक्सप्रेसवे 45 अरब मुंग जोड़ अकड़ा दागे पैसे मुंग सरवे बालाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट मुंग सरा 30 करोड़ डॉलर दागे द पारा मुंग कर्जा खलो या पारा पैसे इश्ता खुदा हो मुंग तरजीहात ने दी के वसाइल निश्ता दा दा मुंग तरजीहात ने दी दा दा मुंग पॉलिटिकल वेल लगे आयो जमात की निश्ता ना गोरस तो चूगोरे तो दानन सभा की कम पॉलिटिकल पार्टी सियासी मैदान पर होती थी तासो उस सर खबर अकड़े वाया वा चेता सो दगा पॉलिटिकल कैंपेन रवान दे दा तकरीबन द पाकिस्तान पार्टी को डी दी सलो नबर दी अतना गटे पार्टी दी कमे पार्टी पर मंशूर के दा माशुमान शामिल दी जमा पखा के उस पूरे मार्च कब कतली दी नो आई थी कि लैक रिफ्लेक्टर खारी अगला पाकिस्तान पीपल पार्टी और आवामी नेशनल पार्टी के देर हद पूरे द माशिबान और द हुकूक को द फरोग और तापुक तबर है तो दाग दिल्ली से आया दग पार्टियां ने तो हुकूमत के राशि तो दादी ने पारा आया दग मंशूर की जिस रिश्ते की नागा बस तुम रहे की नहीं की दग का यह घट सवाल दे डेरा मेरा वानी इमरान टकर साहब सिंह ये खबर ओकड़ा चिता का माशुमान जमुंग तरजीहात ने दी मुंग सरा वसाइल माशुमान द पारा निश्त दे वसाइल मुंग सरा सड़कुनु द पारा शता वसाइल मुंग सरा डेमुनु द पारा शता वसाइल मुंग सरा द गड़ गड़ गाड़ द पारा शता दगा जमा कैरियर के 18-19 साल जमा सहाफत कैरियर उशो पे खबर के दगा डिप्टी कमिश्नर बा ये वर्कोट ए टूडी गाड़ी कर दे द
نن آغا ڈپٹی کمشنر سرا ہوم فرچونر وی آغا سرا اے ڈی سی ہوم فرچونر لاندے گاڑی کی نگرزی بیا آغا سرا چکم لاندے اے سی زی ام فرچونر اخلی اور اے اے سی ہوم فرچونر کم چے 70-80-90 lakh اور 1 crore روپو پو دے گاڑی قیمت تے آغا کسان چچا با ات اور دا لس لگو گاڑی کے سفر کو آغا اس 1 نوالا تر 2 crore روپو والا گاڑی کے سفر کئی اور دا چیک کئی چی دا پیاز اس ریٹ تے دا ٹماٹر اس ریٹ تے دا فروٹ اس ریٹ تے اور آیا دیکھوا تا ناپ تول برابر دے اور کنا اور آغا بیا دگا معشومان پسم گردی دگا گاڑی بیا سمرا پیٹرول خوری دگا دا مونگا ضلع انتظامیہ سمرا اغوی خوری سمرا اغوی فنڈونا خوری سمرا اغوی دفتر خرچی دی بیا مونگا سر وسائل نشتا وسائل خڑیر دی خدا مونگا ترجیحات دگا معشومان ندی تا اللہ پامان